Express. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली है, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर चलते हैं करके। अभी हम लोग जा रहे हैं बीच को। हाँ, हम लोग बीच जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं मेल बॉक्स चेक करने जा रहा हूँ। मेल बॉक्स चेक करते और फिर बीच के लिए निकलते हैं। वैसे मूछों का मैंने ट्राई किया, बताइएगा कमेंट में कि कैसे लगे। ये आ गए हम मेल बॉक्स के पास। हमारे पूरे अपार्टमेंट के मेल बॉक्सेस इधर ही रहते हैं, तो चलिए मेल्स चेक करते हैं और निकलते हैं। पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, इतना इजी मिलता नहीं है क्योंकि ये सब रेजिडेंशियल है ना, इसलिए। और ये पूरा रोड साइड पार्किंग ही है इधर वैसे भी। ऑलराइट, तो ये मैं थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ, सनलाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, पर पीछे आप जो देख रहे हो उधर चलते हैं अपन, उधर चल के एक्सप्लोर करते हैं। उधर एक स्टैच्यू है, उधर जाके हम लोग चेक करते हैं। चलिए, वेल फ्रेंड्स, इस बीच को अलकाई बीच बोलते हैं। इस जगह से सिएटल के हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी जुड़ा हुआ है। ये वही जगह है जहां पे 1851 में पहली बार व्हाइट सेटलर्स, यानी जो लोग यूरोप से मूव हुए एज पार्ट ऑफ ग्रेटर यूरोप एक्सपेंशन, वो लोग इधर ही लैंड हुए सिएटल में। उस वक्त के सिएटल चीफ ने उनको वेलकम किया और उनको यहाँ सेटल होने में भी मदद की। रोड के उस साइड पूरे रेस्टोरेंट्स है और इनफैक्ट यहाँ पे बाइसाइकिल्स भी रेंट पे मिलते हैं अपन को। ये काफी बिजी स्पॉट है वैसे, लोग आते हैं इधर टाइम स्पेंड करने के लिए, और बीच ऑब्वियसली एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। तो चलिए हम लोग अपने पॉजिटिव वाइब को कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये सच का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं है क्योंकि वो न्यूयॉर्क में है। ये उसका रिप्लिका है जो यहाँ पे रखा गया 1952 में। फिर वापस से 2006 में स्टैच्यू को निकाला गया और रिकास्ट किया गया, यानी रीशेप किया ब्रॉन्ज में और इसको पेंट किया कॉपर ग्रीन कलर से। ये स्टैच्यू 7.5 फीट लंबी है। वैसे जो ओरिजिनल स्टैच्यू है, जो ओरिजिनल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, वो 151 फीट हाइट की है। वो है ना, ये चीज इंटरेस्टिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा टू शेयर योर थॉट्स, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।
वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, या फिर हो सके तो वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऐड कीजिए, उससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगले व्लॉग में वापस मिलते हैं, अंटिल देन स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। कमेंट करके बताना यार, कितने लोग इसको रॉकेट मानते हैं। मैं तो बहुत टाइम तक इसको रॉकेट ही मानता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं आयत? आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आए तुम लोग किधर जाते हैं? बीच। बीच? यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फाइनली पार्किंग मिल गया और छह जगह है। ऑल राइट, तो हम लोग आ गए बीच पे। लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं क्योंकि ऑब्वियसली आज मौसम भी अच्छा है तो लोग बाहर निकले हुए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड इसको ले ना, तो मैं रोड पर ऐसा लो जैसा वहाँ लिए देखो, स्नो के टाइम पे ऐसा करके ऐसे लिए देखो, ऐसा ऐसा। रेडी, वन टू थ्री। सॉरी।